हमने कुछ यहाँ पर शॉट भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारी है किसी में फिर से एक दफा सुबह, और आज हो रहा है हमारा देसी नाश्ता। देसी नाश्ता किससे हो रहा है? सरों से हो रहा है। ये हमारी यहाँ देसी समझो खुराक है, इससे हम नाश्ता कर रहे हैं। और आज हमारा बहुत ही कमाल ट्रिप है, हम आफ्टर नाश्ते बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज का हमारा ट्रिप है तौली बीर, क्योंकि बर्फ पड़ चुकी है वहाँ पर, नवंबर हो चुकी है और आज हम जा रहे हैं। जी हाँ, हम लास्ट टाइम भी आए थे तो तौली बीर विज़िट नहीं कर सके थे स्नोफॉल के दौरान, क्योंकि रोड्स ब्लॉक थी तो विज़िट नहीं हो सका था। तो मई के मौसम में बर्फ़ पड़ी है तो हमने कहा लाजमी विज़िट करेंगे तौली पीर को, और आपको दिखाएंगे कि तौली पीर के क्या नज़ारे होते हैं। और इस टाइम हम गुज़र रहे हैं बनबैक बाज़ार से। ये एक बहुत ही प्यारा शहर है बनबैक, जो कि खई गिला और शहीद गिला के दरमियान का बाज़ार है, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगला खूबसूरत जो गाँव है, शहर है, वह है शहीद गिला। शहीद गिला क्यों कहा गया है? शहीद गिला इसी नाम रखा गया है कि 1947 में पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई थी उसमें शहीद हुए थे हमारे बहुत से साथी, और इसलिए वहाँ पर कब्रिस्तान है उनका, उनकी कब्रें हैं, और इसलिए इस गांव को, इस शहर को शहीद गिला कहा जाता है। बहुत छोटा सा बाज़ार है लेकिन बहुत ही खूबसूरत बाज़ार है। यहाँ पर वॉलीबॉल का ग्राउंड भी है जहाँ पर खेलते हैं। ग्लेशियर देख रहे होंगे। हम पहुँच चुके हैं अपने होम टाउन शहीद गिला में, यहाँ थोड़ा स्टे किया है, और पीछे का व्यू आप देख सकते हैं कि ग्लेशियर्स जो पहाड़ों पे पीछे बर्फ़ पड़ी हुई है ग्लेशियर जमे में, और ये बर्फ परसों हुई है कि वो बर्फ़ है सारी की सारी। और इस बार गर्मियों में ऐसा हो रहा है कि बर्फ़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और मुझे लग रहा है कि पूरी गर्मी में जो है ना बर्फ़ पड़ी रहेगी। तो थोड़ा सा व्यू कराते हैं आपको। हाँ जी अजील साहब, ठंडे तो नहीं हुए आप? नहीं सर, बस ये मैंने अपना कोट शर्ट पहना है, बेहतरीन। ये बेहतरीन है आज, जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है इस टाइम, जो कि हम गर्मियों में तो नहीं होते, लेकिन यह है कि इस बार कुछ ज़्यादा ही मौसम प्यारा हुआ। हमने कहा कोई वाटरफॉल दिखाएं यहाँ की, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। हम रुके हुए यहाँ पे। ये जी बर्फ स्टार्ट हो चुकी है, जिस बर्फ को देखने हम आज आए हैं कि गर्मियों में तौली बीर में बर्फ़ पड़ गई है, और उसी बर्फ का नज़ारा देखने हैं कि गर्मियों में तौली बीर में बर्फ और क्या व्यू है। ये जी हम तौली बीर पहुंच चुके हैं, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, इस मई के महीने में बर्फ ही बर्फ। आ रहे हैं हम लेफ्ट ही बर्फ, राइट ही बर्फ में रंगरलियां बनाने आ रहे हैं। ये देखें जी,
ये तोली पीर की पार्किंग से होके क्या कमाल व्यू नज़र आ रहा है आगे, जितना आगे तक करेंगे वो आगे आपको ग्लेशियर नज़र आ रहे हैं, जो फुल फाइनल बॉर्डर है। हमने कहा आपको व्यू कराया जाए कि क्या कमाल नज़ारा है जी। जी यहाँ से हमें अपनी जर्नी स्टार्ट कर लिया, हम जाएंगे तोली पीर की मैक साइड पर। हमारे साथ मौजूद हैं जी चोई साहब। जी चोई साहब रेडी हैं आप इसके लिए? चलो जी लेट्स मूव। जी जी हम चलते जा रहे हैं अपने आगे फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, तोली पीर की मैक साइड की तरफ। देखने क्या कमाल मौसम बना हुआ आज। मई के मौसम में आपको बर्फ मिल जाए तो इससे अच्छी बात और क्या होती है। ये अप्रैल और मई है 2024 और बर्फ पड़ चुकी है तोली पीर में। हमने क्या अपने व्यूअर्स को दिखाया जाए कि यार क्या कमाल नज़ारे होते हैं गर्मियों में, आप बर्फ का मज़ा लें आके, वो भी कश्मीर में। चढ़ रहे हैं हम टॉप ऑफ द हाइट, तो वहाँ जाके हम आपको प्यारे प्यारे दिखाएंगे नज़ारे, क्योंकि पैसे ही होते हैं नज़ारों के। हम जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं आगे की तरफ जी। तोली पीर 9000 फुट बुलंद है सतह समंदर से और कमाल नज़ारा जी कमाल। अच्छा बताता चलूं कि आज हम इस टाइम तोली पीर में मौजूद हैं। आप यकीन करें कि अभी हम मिड ऑफ द रेंज हैं तोली पीर के, अभी पूरी हाइट पे हम नहीं गए। मैं आपको बता रहा हूँ कि चस आ गई है। चस समझते हैं कि मतलब मज़े डबल ट्रिपल चुरपल हो गए। तो चल रहे हैं आगे की तरफ। मौसम बादल भी हैं, थोड़े थोड़े धूप भी है, थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है और दूसरा हम चल भी रहे हैं, जिसकी वजह से अपनी हरारत जो पैदा हो रही है उसकी वजह थोड़ा सा हमारा टेम्परेचर ठीक हो गया। कैसा जोई साहब? जोई साहब स्नैपचैटों के ऊपर चढ़े हुए हैं कि स्नैपचैट बनानी है भेजनी है, तो बढ़ रहे हैं हम इसी के साथ आगे। और हम पहुँच चुके हैं देख सकते हैं हम ऑलमोस्ट इस टाइम हम जिस जगह पहुंच चुके हैं। अगेन बताते हैं तोली पीर, ये लड़का देखे लड़ा कितने शौकीन है स्नैपचैटों का। बस हम मैक साइड पे पहुंच चुके हैं, आस्ता आस्ता हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। व्यू चेक करें आगे की तरफ, क्या कमाल नज़ारा है जी, क्या कमाल नज़ारा है। देख लें इन नज़ारों की तरफ हम जा रहे हैं। ये जो आपको सामने नज़र आ रही है इसके ऊपर रीच करके हम मैक साइड पर रीच कर जाएंगे, उसके बाद हम दिखाएंगे आपको यहाँ से प्यारे प्यारे ड्रोन के व्यू। ये तोली पीर की नेक्स्ट हाइट में हम पहुंच चुके हैं। ये तोली पीर जिस नाम से रखा गया ये अल्लाह के वली थे, यहाँ पर रुकते होते थे क्योंकि दूर दूर तबलीग करने जाना होता था तो यहाँ पर रुका करते थे। तो ये उनकी याद में यहाँ पर दफन है वो बेसिकली, तो यहाँ पर मकाम उनका बना हुआ है। और कुछ ये सामने किस तरह का व्यू है और ये साथ तख्ती लिखी हुई है दरबार आलिया तोली पीर सरकार।
और ये हमारे दीचो ही सब गमगीन हो गए इन सुन के ये सारी बात। सर ना रोएं सर आप। जी हम इस टाइम थोड़ी देर के हाइट पर पहुँच चुके हैं, थोड़े थोड़े झटके हमें लगे हैं, लेकिन ये है कि खरी से पहुँच के स्लिप बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये है कि ये व्यू है इस तरह का। अरे जो साहब खड़े हैं बहुत परेशान हुए हैं, यार ये क्या हो गया, बर्फ़ पड़ गई है गर्मियों के मौसम में, तो व्यू कुछ ऐसा ही है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर ड्रोनिक व्यू क्या। हमने कुछ यहाँ पर शॉट भी लिए हैं ड्रोनिक, आपको दिखाएँगे, आपको लगेगा बहुत कमाल व्यू। आप बैठेंगे यहाँ पर एट दी एंड सबसे नेक्स्ट साइड पर, और यहाँ पर हम पियेंगे चाय लेंगे, पाउडर ही होगा कन्फर्म। जी नाजरीन इस टाइम हम सबसे ऊंची जगह तोली पीर पे इस टाइम मौजूद हैं, और अजीत चौधरी साहब को बहुत ठंड लग रही है, देखें फुल बाबू बने हुए हैं इस टाइम, बैक साइड पे आप व्यू देख सकते हैं। ये क्या कमाल नज़ारे आ रहे हैं, और इस टाइम बर्फ़ हर तरफ, ये देखें, और आसा सा लोग आना शुरू हो गए। हम तो बहुत सवेरे पहुंच चुके थे, लेकिन अब यह है कि लोग आना शुरू हो चुके हैं, और ये देख लें यहाँ का देसी माहौल, लकड़ियाँ वगैरह काट के इन्होंने रखी हुई हैं। ये बेसिकली यहाँ पे होटल्स वगैरह हैं, और इन होटल्स पे जो ऐसा को बताया जाने जो रेट्स हैं मुर्गी की कढ़ाई के, वो 2500 रुपये हैं राइट नाउ, अभी के 2500 में कढ़ाई और 30 रुपये की चपाती है। आपको इसलिए बता रहा हूँ अगर कोई बंदा आना चाहे तो यहाँ पर ये रेट से खाने के, और यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है, बेसिकली व्यू की वजह से यहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी हम चल रहे हैं नीचे की तरफ, हमने फाइनल मोमेंट पे आके पहुंच गए हैं वापस, और हम तौली पीर पर गुड बाय कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, और हम वेट कर रहे हैं अली चौधरी साहब का वहाँ ही, और हमें यहाँ से बिठा दें तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। फिर मान लिया अल्लाह हाफिज़।